Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like हेलो दोस्तों, मैं शेफ राहुल। वेलकम है आज आपका शेफ शॉप की एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए लाइव जिलेटो मशीन। मार्केट से आपने जिलेटो आइसक्रीम तो बहुत ही बाई की होंगी, बट आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव जिलेटो बनता कैसे है। तो दोस्तों, शेफ शॉप की मशीन को परचेस करके मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर आप भी जिलेटो आइसक्रीम बड़े ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शेफ शॉप की मशीन देख लेते हैं कि ऑपरेट किस तरह से होगी और लाइव जिलेटो आइसक्रीम बनेगी कैसे और ये मशीन दिखती कैसे है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्स कर लेते हैं अपनी मशीन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मशीन हमारी अनबॉक्स हो चुकी है। एक हमें इसके साथ यूजर मैनुअल लाती है और इसे हमें अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ हमें अटैचमेंट भी लाती हैं जो कि हमारे यहाँ पर लगेंगी। हमें 3 जिलेटो स्पून मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मशीन हमारी अनबॉक्स हो चुकी है और हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि मशीन किस तरह से काम करेगी, किस तरह से ऑपरेट होगी और क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 2 3 हमें 3 वायर मिल जाती हैं जो कि 3 कंटेनर्स को ऑपरेट करेंगी, पहला दूसरा तीसरा। और वायर देने के बाद इन तीनों को ऑपरेट करने के लिए एक हमें यहाँ पे स्विच दिए गए हैं 1 2 3 और आगे इसी के साथ इसके एडिशनल पैनल आ जाते हैं, पहला ऑपरेट करने के लिए, दूसरा ऑपरेट करने के लिए, तीसरा ऑपरेट करने के लिए। आप एक ऑपरेट कर सकते हैं या तीनों एक साथ ऑपरेट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मशीन की हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। वोल्टेज दी गई है हमारी 220 वाट की, फ्रीक्वेंसी दी है, पावर हमारी 6600 वाट है, रेफ्रिजरेंट टाइप दिया हुआ है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें इस मशीन की मिलती है 60 से 66 लीटर। ये प्रति आवर में, प्रति घंटे में ये 60 लीटर मिनिमम प्रोडक्शन करेगी। करंट हमें 16 एम्पियर दिया हुआ है। प्रोडक्ट डायमेंशन दिया हुआ है जो कि हम आपको स्टेप से करके बताएंगे। नेट वेट हमारी मशीन का 200 किलो है। तो चलिए हम इस स्टेप से इसकी डायमेंशन लेकर के आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अपनी मशीन की हाइट ले लेते हैं। हाइट है इसकी 34 इंच। विड्थ है हमारी मशीन की 36 इंच। लेंथ है हमारी मशीन की 24 इंच। तो चलिए अब मशीन को अपनी ऑपरेट कर लेते हैं और कुछ अपने प्रीमिक्स और कुछ फ्लेवर्स बना के इसमें ऐड कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ऑपरेट होगी। तो चलिए कुछ फ्लेवर्स रेडी करते हैं और अपना लाइव जिलेटो बना के आपको डेमो देते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी जिलेटो आइसक्रीम मेकिंग शुरू कर देते हैं। एक हमारे पास ब्लैक कलर फ्लेवर है, एक हम बनाएंगे ब्लूबेरी और एक हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। और हमारे पास आधे लीटर के 3 पाउच पड़े हैं। तो चलिए हम लोग इसकी मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी जिलेटो आइसक्रीम की मेकिंग शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और इसको हमको टेर कर लेंगे ताकि हम आपको पूरी रेशो दिखा सकें। हमारे जिलेटो प्रीमिक्स 125 ग्राम डलेगा ½ लीटर दूध में। ये हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी है। ½ लीटर मिल्क ऐड कर लेते हैं। देन हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है। इसी तरह हम अपने बाकी के फ्लेवर को भी ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे फ्लेवर को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए भी हमारा सेम रेशो रहने वाला है, 125 ग्राम फ्लेवर एंड ½ लीटर मिल्क। चलिए अब इसके अंदर हम ½ लीटर मिल्क ऐड कर लेते हैं और इसे भी हमें परफेक्टली ब्लेंड करना है। तो लीजिए हमारा दूसरा फ्लेवर भी रेडी है। तो लीजिए हमारे दो फ्लेवर रेडी हो चुके हैं। देन हम इसको टेयर कर लेते हैं। अब हमारी इसमें भी रेशो सेम रहने वाली है, 125 ग्राम। इसमें भी हमें आधा लीटर मिल्क ऐड करना है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी प्लग इन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमें 3 पावर बटन दिए गए हैं। हमारी तीनों डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं और डिजिटल पैनल दी गई है, और यहाँ पे हमारा सारा कुछ आ रहा है। हमारी वोल्टेज आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, और यहाँ पर हमारा कप काउंट आएगा। और कुछ हमें यहाँ बटन दिए गए हैं। एक हमें वॉश का बटन दिया है, फ्रीज का, ऑन ऑफ का, हार्ड एंड सॉफ्ट का। हार्ड हमारा जिलेटो कितना हार्ड करना है और कितना सॉफ्ट करना है, ये भी हमें यहाँ पर दिया गया है। वॉश का प्रोसेस हम आपको बेकिंग के बाद बताते हैं। फ्रीज का बटन दबाने पे हमारा कंप्रेशन ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑन हो चुका है। और स्टॉप करने से हमारी रोटेशन ऑफ हो जाती है। तो चलिए हम अपने हॉपर्स के अंदर अपने फ्लेवर्स डाल देते हैं, और साथ में हम आपको स्टॉप वॉच के साथ दिखाएंगे कि हमारी जिलेटो कितनी देर में और कितने मिनट में बनकर तैयार हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लेवर्स हमारे आ चुके हैं। अब हम इसकी कैप को बंद कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका कवर आ जाता है, जिसको हमें जनरली इधर डाल लेना है, और ये हमारा फिक्स हो जाता है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे फ्रीज का बटन है, हम इसको ऑन कर देते हैं। हमारी जिलेटो स्टार्ट हो गई है बनना। हम दूसरे वाले को भी दबा देंगे, एंड थर्ड। और हम आपको स्टॉप वॉच चला देते हैं कि कितनी देर में हमारी जिलेटो बनकर रेडी होती है। हमारे तीनों प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिलेटो हमारी रेडी हो चुकी है। हमारी 6 मिनट के अंदर अंदर जिलेटो रेडी हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र 6.5 मिनट में हमारी जिलेटो रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 मिनट 23 सेकंड में हमने मशीन को स्टॉप कर दिया है, और परफेक्टली हमारी जिलेटो रेडी हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे तीनों फ्लेवर्स रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको वेट कर लेते हैं, और हम इसको इस कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन हमने कर दी है क्लोज। जिलेटो आइसक्रीम हमने सारी बाहर निकाल ली है और कुछ आप देख रहे हैं जो हमने प्रोडक्शन की है वो इस तरह है। तो चलिए हम इसका वेट कर लेते हैं, तो हम आपको पूरा एक्यूरेट वेट दिखा देते हैं इसका। हमारे डिस्पोजल कंटेनर का वेट 21 ग्राम है। तो हमने इसको टेयर कर लिया है। चलिए हम अपनी जिलेटो का वेट कर लेते हैं 584 ग्राम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 125 ग्राम हमारा प्रीमिक्स था और आधा लीटर मिल्क में हमारा 584 ग्राम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनकर निकलता है। फाइव 84 ग्राम हमारा ब्लूबेरी एंड ब्लैक करंट ऑल्सो हमारा 581। तो दोस्तों कुछ हमारे फ्लेवर्स इसके अंदर चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। हमने इसको एक जिलेटो बनाने के लिए हमें हाफ लीटर मिल्क लिया है जो कि हमारा 33 रुपीज़ का पड़ता है और प्रीमिक्स हमने 125 ग्राम यूज़ किया है जो कि हमारा 17.5 रुपये का पड़ता है, अप्रॉक्स 18 रुपीज़। तो इसकी टोटल कॉस्ट हमारी आ जाती है 51 रुपीज़, जिसका वेट है हमारा 585 ग्राम, अप्रॉक्स 600 ग्राम। और सेम रेशो हमने ब्लूबेरी में, स्ट्रॉबेरी में, सब में हमने सेम रेशो यूज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रॉक्स 600 ग्राम जिलेटो हमारा 51 रुपीज़ से बनकर रेडी होता है और हमारी ये सारी जिलेटो बनकर रेडी हुई हैं अप्रॉक्स 150 रुपीज़ में, ओनली 6 मिनट में रेडी हुई हैं ये सारी। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि किस ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जिलेटो निकल चुकी है। आप चाहे इसको फैमिली पैक में दे सकते हैं, पोर्शन वाइज अलग अलग फ्लेवर कोन में ऐड करके। तो चलिए जिलेटो हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी कर लेते हैं क्लीनिंग। तो चलिए हम अपने जिलेटो मशीन को क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के लिए हमें इसके अंदर जनरली पानी डाल लेना है। तो चलिए इसकी लीड लगा लेते हैं। तो पानी हमारा हो चुका है, लीड हमारी लग चुकी है और पावर ऑन करके सिर्फ हमें वॉश का बटन दबाना है। तो पावर हमने ऑन कर दिया है, बटन हमने ऑन कर दिया है। जनरली हमें वॉश का बटन प्रेस करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वॉशिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट तक इसको चलते रहने देना है। तो दोस्तों क्लीनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें 2 मिनट बाद इसको ऑफ कर देना है और टैंक का जितना भी पानी है हमें बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ड्राई कपड़े से इसको वाइप कर लेना है। तो दोस्तों आप इस मशीन को बाय करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए शेफ शॉप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।